तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, उसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आरजे जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाजह है, वजूदे जनाब हिजार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानेब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रुई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रुई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है, अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनान मावत की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खुरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युजासीफ इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं मावत आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईने बुत परस्ती अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्त मैं अपनी जाय पैदाइश के नाम में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम है। आप याकूब नबी को कोई खत क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें, कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। बरसों पहले राहील, फिर फायका और यकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सों को देखा जो इस काफले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिला। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे ना चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिला और जुल्फा ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावन भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए।
मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और इफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूँ और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूँ। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए, अब तक तो मैं मजबूर था, मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदू करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुतला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताद आली जनाब, हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज है, मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं, लिहाजा जरूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा जरूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, क्योंकि हमें गंदम को खोशों समेत जखीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खोशों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज से 2 फायदे लेने हैं, एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की जखीरा साजी की जा सके और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की जरूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गढ़े की शक्ल में, और उस गढ़े में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज है, इस तरीके से तो गंदम जमीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे, इसी तरह हमें 7 साल की जखीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में जखीरा जमा किया जाए और कहत के जमाने में हर साल सिर्फ 1 गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुतअद्दिद पहरेदारों की जरूरत पेश न आए। आली जनाब, अगर इजाजत फरमाएं तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अजीजान मोहतरम, जरा तवज्जो फरमाएं, हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश शुरू की जा सके। उनसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो, आइयो जरा जोर से, और जोर से। महसूलात की बर वक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो और महसूल दहंगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें ताकि कहत के जमाने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिकदार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ और अगर नहीं तो मुझे मजीद कुछ नहीं कहना।
जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। जगह मुनासिब है। उम्मीद है कि नबी खुदा भी पसंद फरमाएंगे। अगर वीराना भी होगा तो उन्हें पसंद आ जाएगा। चलिए ठहरिए, अंदर का भी देख लें। चलें। ये सनद दिखाएंगे तो महसूलात की मुआफी होगी। सिपास गुजार हूँ अली जनाब। अगला शख्स। ये 3 साल का महसूल है। इस सनद के मुताबिक आपको 6 साल का महसूल माफ होगा। अगला शख्स। जनाब मालिक सलामत रहिए। सलामत रहिए। आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहे। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गढ़े की शक्ल, और उस गढ़े में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। Thank you.
गुजार सिर्फ कहाँ जा रहे हैं? गुजार सिर्फ गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीर जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं। क्या ताजा पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया, आपकी बातों का डंग भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजारसी पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इकदाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजार सिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाहली की बदौलत है, वरना अब तक युजार सिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कश्र में मारा गया है। गालिबन युजार सिफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ तो बैठा होगा। जानते हो अगर वो मारा ना जाता तो आमून होटब हमारा क्या असर करता? वो तो खुदा आमून ने हमें बचा लिया। युजार सिफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सिफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो आवाम को युजार सिफ के खिलाफ फरगलाए। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर, आज सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मिनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजार सिफ शहर में तो है, अब मैं उसकी दूरी कैसे करूं? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, मेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजार सिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो मुझे मेरी किसी एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके।
बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखून लो, क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो, मैं तो एक साल का महसूल देकर दो साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तक हम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि जेरे काश जमीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युजार चीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया, भला कभी गंदम खुशों समेत भी जखीरा की जाती है? युजार सीफ की यह पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। यह बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। यह हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं।
युजार सिंह ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है, तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशेंट गोई नहीं करते? یعنی معبد کے قادم پر تم پر بھی خداؤں کا درود ہو، تم بھی اپنی گندم جمع کروانے جا رہے ہو؟ جی، قحط کے زمانے کے لیے ذخیرہ جو کرنا ہے۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ قحط کے زمانے میں حکومت یوزافی تمہیں یہ گندم واپس بھی دے گی؟ پتا نہیں، کہہ تو یہی رہے۔ تم اگر یہ گندم اپنے گھر میں ہی محفوظ کر لو تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ یوزار صاحب ایک اچھا انسان ہے، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ انسان مشکل گھڑی میں ہی پہچانا جاتا ہے، دیکھ لینا یہ آج کا یوزار صاحب قحط کے زمانے میں بالکل بدل جائے گا، دیکھ لینا۔ جب تک آپ باقی کھیتوں کا جائزہ لے کر آئے میں یہاں ہوں۔ بن بلائے مہمان کو شامل نہیں کریں گے؟ خوش آمدید، ہمیں خوشی ہوگی۔ خداوند کا درود ہو آپ پر۔ سپاس گزار ہوں۔ اس سال تو فصل خوب ہوئی ہوگی؟
इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता के मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी, इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात है। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे, तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है, सिपाह गुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं, अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युजार सीफ थे? हाँ, युजार सीफ अजीज मित्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। एक कोशा भी नहीं बचना चाहिए, सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत कर। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फरमा रवा की जमीनों पर? फरमा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दअमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए, जनाब युजार सीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए, आइए।
मुझे बताया गया है कि काहिना ने माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर ये वाजे करता चलूं कि हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने खानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूजार सीप पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है, आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूं जो हमेशा करता हूं। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यजार सिंह का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पड़ा है और ना पड़ेगा। बिलफर्ज अगर पड़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के जमाने के लिए पहले से जखीरा अंदोजी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी जखीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो जखीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। जखीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो? जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ। इस कहत की मिसाल रोजे हशर किसी है। फरावानी नेमत के इन 7 सालों की तरह, जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और जखीरा करेंगे कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और जखीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़ महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से जखीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ युजासीफ हूं मैं।
بانو زلیخا تم ہو رودامون یوزار سیف کی کوئی خبر لائے فی الحال تو شہر میں نہیں ہے گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت راضی کے جائزے اور محصولات کی جمعآوری کا ارادہ رکھتے ہیں دراصل وہ محصولات کی جمعآوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے تپس تشریف لائے تھے اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی یوزار سیف آئیں تو ہمیں باخبر کریں قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگی وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہے بانو حضور تمہیں اختیار حاصل ہے سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی لہذا سب کو فارغ کر دو خوفور اور سوفر کو یہاں بلاؤ لیکن بانو قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور چکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا لیکن اب کیا اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جیسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی اگر میرے دل میں یوزار سیف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی میں یوزار سیف کے سوا کچھ بھی نہیں رہا قصر کے تمام محافظین اور خادمین کے واجبات ادا کریں اور سوائے رودامون کے سب کو فارغ کر دیں اب ان سب کی تنخواہوں کی ادائیگی ممکن نہیں رہی جناب خوفو بھی تمام کاہنان معبد کو فارغ کر دیں ان کے اخراجات کی فراہمی اب ہمارے لیے ممکن نہیں معبد کو تو تبھی بند ہو جانا چاہیے تھا کہ جب ایک کافر اس قصر کا پیشکار ہوا تھا اتنا عرصہ بھی بلا وجہ ہی کھلا رہا